भारत के हथियारों की कायल हुई दुनिया, 23 गुना बढ़ा भारत का रक्षा निर्यात। भारत के लिए रक्षा क्षेत्र से एक बड़ी और शानदार खबर है। रक्षा क्षेत्र में भारत जितनी तेजी से दुनिया में आगे बढ़ा, उतनी तेजी से ही रक्षा निर्यात में देश आगे निकल गया है और रक्षा निर्यात का आंकड़ा 23 गुना बढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। दुनिया में इस वक्त भारत के रक्षा क्षेत्र की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि भारत लगातार ताकतवर हो रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है। तभी तो भारत में बने हथियार और रक्षा उपकरणों की मांग दूसरे देशों में बड़ी तेजी से होने लगी है और इसी वजह से भारत का रक्षा निर्यात 2014 के मुकाबले 23 गुना बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यानी पिछले 9 साल में देश में रक्षा निर्यात में 23 गुना बढ़ोतरी हुई है और 100 से ज्यादा रक्षा उपकरणों कंपनियों के जरिए देश में रक्षा क्षेत्र के उपकरण और साजो सामान का निर्माण हो रहा है। इन्हें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया जा रहा है। देश रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहा है। इस समय भारत ने रक्षा क्षेत्र में 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है और ये 2014 के बाद हो सका, जो पिछले साल से तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछले साल ये 13,000 करोड़ रुपए का था। दरअसल भारत ने रक्षा उपकरणों, तकनीक और गोला बारूद का निर्यात किया है। देश ने सबसे ज्यादा निर्यात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में किया, अमेरिका और फिलीपींस के साथ ही मिडिल ईस्ट, साथ ही अफ्रीका के कई देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात किया गया है। निर्यात में लगभग 70% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बाकी 30% निर्यात कर रही हैं। भारत में लगभग 100 कंपनियां रक्षा क्षेत्र के निर्यात से जुड़ी हैं। दुनिया के लगभग 85 देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। यानी अभी कहा जा सकता है कि देश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ निर्यात में तो ऊंची छलांग भी लगा चुका है। 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात जहां 686 करोड़ रुपए था, वहीं इस साल बढ़कर ये 16,000 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन अभी भी भारत इसे और बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ताकि भारत में बने हथियारों को दूसरे देशों में बेचा जा सके। रक्षा अधिकारियों को देसी रक्षा उपकरणों के निर्यात पर फोकस करने को कहा गया है। इसके अलावा रक्षा उपकरणों का निर्यात करने के लिए जिन देशों के साथ भारत के दोस्ताना संबंध हैं, उनके साथ रणनीतिक संबंध सुधारने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारत और आगे बढ़ सके। और यही वजह है कि भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा और भारत में बने रक्षा उपकरणों को दूसरे देशों में बेचा गया, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत ने कई रक्षा उपकरणों को बनाया जिसको दुनिया के कई देशों ने पसंद किया, जिस वजह से भारत का निर्यात पिछले सालों में काफी बढ़ा और इस साल बढ़कर 23 गुना हो गया। 9 सालों में भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ रुपए था, 2014-15 में 785 करोड़ रुपए, 2016-17 में 1,521 करोड़ रुपए, 2017-18 में 4,682 करोड़ रुपए, 2018-19 में 10,745 करोड़ रुपए, 2019-20 में 9,115 करोड़ रुपए था, 2020-21 में 8,434 करोड़ रुपए हो गया, 2021-22 में 12,814 करोड़ रुपए पहुंचा और 2022-23 में ये 16,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यानी लगभग 9 साल पहले तक आयातक के तौर पर पहचाने जाने वाला भारत आज रक्षा उपकरणों और यहां तक कि मिसाइलों का भी निर्यात कर रहा है। वैसे तो भारत का रक्षा क्षेत्र आजादी के पहले भी काफी मजबूत था और आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी। भारत में तोप समेत कई तरह के आर्मी को काम आने वाले उपकरण बनाए जाते थे। यहां तक कि भारत दूसरे विश्व युद्ध में रक्षा उपकरणों का अहम सप्लायर भी था। उस समय भारत के होविट्जर तोपों को सबसे अच्छा माना जाता था। भारत से पूरी दुनिया को बड़ी मात्रा में हथियारों को एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन उसके बाद नवनिर्माण के दौर में रक्षा क्षेत्र की कहीं ना कहीं अनदेखी हुई और भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया। लेकिन बीते 9 सालों में समय बदला और भारत अब निर्यातक के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में खासतौर पर ध्यान देते हुए सुधार किया गया।
सरकार ने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया बल्कि देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में काम किया और ये भी सुनिश्चित किया कि रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ा जा सके, जिससे अब ये समझा जा सकता है कि अब भारत दुनिया में कैसे और मजबूत हो रहा है, जिसे भारत के रक्षा निर्यात ने साबित कर दिया है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।